नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। होटल रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ ने किया मूक आंदोलन। 12 लाख किसानों ने भरा 1160 करोड़ का बिल। कम यात्री मिलने से स्पेशल ट्रेन रद्द। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। होटल रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ ने किया मूक आंदोलन। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में संपूर्ण राज्य में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया है। इस लॉकडाउन से होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय पर हो रहे दुष्परिणाम को ध्यान में रखते हुए होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, वेस्टर्न इंडिया नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन होटल एंड रेस्टोरेंट तथा महाराष्ट्र की अन्य संस्थाओं ने यूनाइटेड हॉस्पिटलिटी फोरम ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से एकत्रित आकर मिशन रोजी रोटी के अंतर्गत गुरुवार को मूक आंदोलन करने का आह्वान किया। इसका समर्थन करते हुए नागपुर रेसिडेंशियल होटल रेस्टोरेंट ने नागपुर के सभी होटल रेस्टोरेंट संचालकों से मिशन रोजी रोटी में शामिल होने की अपील की थी। इस आंदोलन के तहत NRHA के अलावा नागपुर इटली ऑनर्स एसोसिएशन व होटल एसोसिएशन नागपुर के सदस्यों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बैनर के साथ खड़े होकर मूक आंदोलन किया। NRHA के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह रेनू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई ऑनलाइन खाद्य बिक्री की समय सीमा पूरी तरह से अतार्किक होने के कारण रेस्टोरेंट मालिकों को अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जब प्रशासन ने रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी थी तो उन्हें रेस्टोरेंट को शाम 7 बजे बंद करने के निर्देश दिए थे, जबकि रेस्टोरेंट का मुख्य व्यवसाय ही रात को खाने के समय का होता है। इस प्रकार की भयावह समयावधि में कोई भी रेस्टोरेंट खुद को कैसे जीवित रख सकता है। रेनू ने कहा कि सरकार मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है। नागपुर में रेस्टोरेंट को ऑनलाइन खाद्य बिक्री हेतु सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक की अनुमति दी गई है। वहीं मुंबई में 24 घंटे ऑनलाइन खाद्य वितरण करने की अनुमति है। इससे होटल मालिकों के साथ ही उनके कर्मचारी भी चिंतित है और कई पड़ोसी राज्यों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। रेनू ने राज्य सरकार और प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अब सदस्यों का ध्येय टूटने की कगार पर है तथा हॉस्पिटलिटी सेक्टर को शीघ्र ही कुछ तार्किक छूट दी गई है तो भविष्य में सरकार व प्रशासन को भारी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो वही दूसरी ओर 12 लाख किसानों ने भरा 1160 करोड़ का बिल। कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति के तहत बिजली बिल से मुक्ति पाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार 8 अप्रैल तक 11,96,184 किसानों ने कुल 1160 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान कर योजना का लाभ उठाया। योजना के तहत पैसे भरने वाले किसानों को उनके कुल बकाया में से 66% की राहत मिलेंगी। 1 अप्रैल 2020 से जमा होने वाली निधि को कृषि आकस्मिक निधि के रूप में समाहित किया जा रहा है। इस निधि के तहत अब तक 1160 करोड़ 34 लाख रुपए जमा हुए हैं। इसमें से 66% यानी 773 करोड़ रुपए से वितरण प्रणाली सशक्त होंगी। तो वही तीसरी और कम यात्री मिलने से स्पेशल ट्रेन रद्द। रेल प्रशासन ने श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनल कोल्हापुर और नागपुर के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसकी वजह ट्रेन के लिए कम यात्री मिलना बताई गई है। ऐसे में 01404 कोल्हापुर नागपुर द्वि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 12 अप्रैल से 26 अप्रैल तक और 01403 नागपुर कोल्हापुर द्वि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।